अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजकुमार साहब अपने बड़बोलेपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम रह चुके थे और वो एक्ट्रेस व एक्टर की बेइज्जती करने में कोई भी समय नहीं गंवाते थे। तभी तो वो अपने दौर के एक मुफ्त इंसान कहलाए जाते थे। अब राजकुमार साहब की फिल्मों में डिमांड हुआ करती थी और इसी डिमांड को पूरा करने में तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए जतन भी करते थे और राजकुमार की यही बढ़ती लोकप्रियता हर किसी में भारी पड़ती थी। लेकिन सबके उलट राजकुमार साहब अपनी ही दुनिया में मस्त रहा करते थे। अब राजकुमार साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों को लोग आज भी देखना व सुनना पसंद करते हैं। लेकिन राजकुमार साहब की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था तिरंगा, और तिरंगा भी आपने जरूर देखी होगी क्योंकि तिरंगा फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग से राजकुमार साहब और नाना पाटेकर ने लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा भी है जो आज तक काफी ज्यादा सुर्खियों में भरा रहा है। फिल्म में राजकुमार साहब और नाना पाटेकर दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए थे। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पत्रिका में एक छपी खबर के मुताबिक इस फिल्म को मेहुल कुमार ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया था। उनका कहना था कि जब फिल्म में नाना पाटेकर को कास्ट किया गया तो इसमें राजकुमार खुश नहीं थे। राजकुमार को लेकर नाना खुश नहीं थे। राजकुमार साहब का मानना था कि नाना पाटेकर के सेट पर आने से अनुशासन भंग होगा। मेहुल फिल्म के लिए राजकुमार साहब को पहले ही साइन कर चुके थे और बाद में नाना पाटेकर को साइन किया। फिल्म में नाना पाटेकर को लेने से वो हिचक भी रहते। ऊपर से उनके दोस्तों का मानना था कि अगर इन दोनों कलाकारों के एक साथ फिल्म में ले लिया गया तो फिल्म लटक भी सकती है। हालांकि जब मेहुल ने नाना पाटेकर को फिल्म में राजकुमार साहब के होने की बात बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, अगर उन्होंने ज्यादा दखल दिया तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसे में मुझे कोई परवाह नहीं होगी कि तुम्हारी फिल्म बने या फिर लटक जाए। वहीं जब राजकुमार साहब को फिल्म में नाना पाटेकर के होने की बात बताई गई तो उनकी प्रतिक्रिया एकदम खतरनाक थी। उन्होंने नाना पाटेकर को जाहिल किस्म का इंसान तक कह डाला था। राजकुमार साहब का कहना था कि नाना पाटेकर के बारे में सुना है कि वह सेट पर गालियां देता है। इस पर मेहुल ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है। राजकुमार साहब ने उनसे पलट कर पूछा कि क्या नाना ने उनके बारे में कुछ कहा। इस पर मेहुल ने उनको बताया, बस इतना कहा कि आप ज्यादा दखल ना दें। इस पर राजकुमार साहब ने उनको जवाब दिया कि उनकी फिल्म के बीच में वह क्यों दखल देंगे। इस तरह ये फिल्म बनी और बाद में सुपरहिट भी साबित रही। फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। वहीं राजकुमार साहब के एक एक डायलॉग काफी ज्यादा हिट भी साबित हुए। वहीं नाना पाटेकर के किरदार को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन जब इस फिल्म की मेकिंग मेहुल कुमार कर रहे थे तब बॉलीवुड के जानकारों का कहना था कि इन दोनों को एक साथ अगर लेकर आओगे तो फिल्म लटक भी सकती है क्योंकि इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल कभी भी नहीं बैठ सकता। अब जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन मेहुल कुमार ने ये बड़ा कारनामा करके दिखाया था। भले ही शूटिंग सेट पर नाना पाटेकर राजकुमार साहब एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन फिल्म में इन दोनों की बॉन्डिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तभी तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। आज भी इस फिल्म को लोग देखना पसंद करते हैं।